हेलो एवरीवन, तो हम फिर आ गए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी, ये वही है, बस ये नाम चेंज कर देते हैं और यूजुअली पूरी चीज़ सेम है। हमने उसमें ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन चूंकि एक डिफरेंट नाम से डिफरेंट टॉपिक लगने लगता है तो मैंने इस पर एक और वीडियो बना दी। ठीक है, An economy as a whole always functions at the level of full employment. ये हमने पढ़ा था कि हमेशा इकनॉमी की फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। अगर कभी लेबर ज़्यादा हैं और डिमांड कम है तो खुद ब खुद वेजेस वो लोग कम कर देंगे और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी लेबर्स मान जाएंगे और उसी वेजेस पे काम करना शुरू कर देंगे। बट इसमें एक फ्लॉ है कि नियसियन जो कहता है कि अगर आप एक इंसान को पहले 100 दे रहे थे और अचानक से आप उसे 20 देने लगेंगे, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 80 देने लगेंगे, तो वो काम छोड़ के चला जाएगा, वो आपके पास काम नहीं करेगा। क्योंकि हम हमेशा ऊपर जाने की तरफ करते हैं, किसी को नीचे नहीं जाना होता। हम प्रोग्रेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। डिक्रीज होना तो किसी को भी नहीं पसंद, तो इस हिसाब से ये थ्योरी गलत है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी का यही बिलीव है और वो ये भी कहता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई भी तो वो टेम्प्ररी है। लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि अब कम हो गई हैं, काम करें ना करें, बट इवेंचुअली विद टाइम वो लोग काम करने आ जाएंगे और आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट दोबारा हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है कि उसमें ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। आपने जितनी भी सप्लाई की, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए, क्लासिकल थ्योरी कहता है वो सारे बिकेंगे, वो सारे लोग अपनी इनकम से खरीदेंगे। अगर वो नहीं खरीदते, वो सेव करेंगे जो कि इन्वेस्ट होगा, जो कि और आपकी रियल जीडीपी बढ़ाएगा। ठीक है, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सेल्स लॉ में जैसे कहा गया था, हमने ये लॉ भी पढ़ा था उस वीडियो में। सेल्स लॉ यही कहता है कि आपकी जितनी सप्लाई होगी उतनी उतनी उसकी डिमांड भी होगी। जो लोग काम करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वही अपनी इनकम से वो प्रोडक्ट खरीदने वाले भी हैं। जितनी रियल जीडीपी बढ़ेगी उतनी उतनी लोगों की सलाहियत बढ़ेगी कि वो रियल जीडीपी एज इन वो प्रोडक्ट्स खरीदें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है, ओवरऑल इकोनॉमिक की सप्लाई तभी उतनी होगी जितनी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट हो। जैसा कि कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट है, आप अपनी रिसोर्सेज पूरी यूज़ कर रहे हैं, तो वो पूरी यूज़ करके आपकी टोटल सप्लाई होगी, उससे कम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई रिसोर्सेज ना यूज़ करें। अगेन, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है और ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, बट क्लासिकल थ्योरी यही कहता है। तो अभी फ़िलहाल हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो यस, That's it for this video. I hope कि ठीक था, समझ आया। अगर आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और हर लाइक करने वाले को क्लासिकल थ्योरी में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।